हे गाइस, व्हाट्स अप। जो आज का हमारा सिक्स सेशन है, दिस इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स जो डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट में आते हैं। आपसे मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करने वाला हूँ प्रोसीजर में। डायरेक्टली गोइंग, हम इतना डिटेल में नहीं देखेंगे चीज़ों को। डायरेक्टली वी गोइंग टू कवर द इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स एंड उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी इन्फो होगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, राइट? चलिए, तो दीज आर द डिटेल्स अबाउट मी एंड यू कैन सी ओवर हियर। And obviously you can follow me at this given link and piece contribution is optional if you want you can and guys अगर आप लोगों को मेरा कोर्स पसंद आता तो प्लीज़ प्लीज़ रेट करिएगा, रिव्यू करिएगा एंड रिकमेंड करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इंटरनेशनल डाटा लाइन। ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में, तो याद रखिएगा जो मैंने लॉन्गिट्यूड की बात करी थी, जो लाइन्स होती है ग्लोब के अराउंड, जो हमने बात करी थी लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती है, तो उनमें से जो 180 डिग्री की लाइन होती है, इट इज़ अ 180 डिग्री एटीट्यूड जिसको हम लॉन्गिट्यूड को कहते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डाटा लाइन। तो ऑब्वियसली इट्स एन इमेजिनरी लाइन ऑफ ए लॉन्गिट्यूड ऑन द नॉर्थ और नॉर्थ और साउथ पोल, जो पोल से आती है बेसिकली। इस सरफेस इज लोकेट अबाउट द 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट और द ग्रीनविच मेडीरियन, राइट? तो ऑब्वियसली इसने सिंपल सी बात कही कि इंटरनेशनल, जो आइडियल की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल डाटा लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन ऑफ ए लॉन्गिट्यूड ऑन द अर्थ सर्फेस लोकेटेड एट द अबाउट 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, कुछ भी कह लीजिए, उसके 180 डिग्री पे है एंड ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। तो ऑब्वियसली ये सब बातें ग्रीनविच मेरिडियन और सबसे हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं, व्हाट इज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट आर द डिग्रीज एंड वी हैव डिस्कस एवरीथिंग अबाउट रिलेटेड थिंग्स। तो इस चीज़ मेरे को लगता नहीं कि बताने की जरूरत है इतनी ज़्यादा। द नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ क्वेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी ऑल नो द सीज्मोग्राफ, सीज्मोग्राफी, सिस्मिक वेव्स, जो वेव्स इंड्यूस होती है, सिस्मिक वेव्स होती है, वो सब क्वेश्चन पता है, सबको पता है। पर बेसिकली अगर ये क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत करते हैं, दे थॉट कि देयर समथिंग डिफरेंट थिंग। पर जो क्वेश्चन ने पूछा है द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक का जो ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन पॉइंट। तो फोकस याद रखिएगा, आंसर शुड बी फोकस। फोकस ऑब्वियसली इट्स लाइक काइंड ऑफ लोकेशन, इज काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ, ठीक है? तो द लोकेशन वेयर द अर्थक्वेक बिगिंस एंड होता क्या है, उस छोटे से पॉइंट पर रप्चर बिगन होता है ग्राउंड, मतलब एक तरह से रप्चर करना स्टार्टिंग, थोड़े से वाइब्रेशन शेकिंग स्टार्ट होती है, द ग्राउंड रप्चर्स एट दिस स्पॉट एंड धीरे धीरे जो सीस्मिक वेव्स होती है जो रेडिएट करती है, जो बेसिकली आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट में होती है हर रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन से मतलब है हर डायरेक्शन में अलॉन्ग द रेडियस इज बींग लाइक इज बींग आउटवर्ड मोशन में धीरे धीरे इनकी वेव्स जो होती है बूस्ट होती जाती है एक तरीके से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लैक्स इज वॉट कॉल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आ चुका है, ज्योग्राफी में ले लीजिए, चाहे आप उसको वन वर्ड समझ लीजिए, जैसा आपको समझना समझिए, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द लिम्नोलॉजी। अगर वी टॉक अबाउट द लिम्नोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ लैक्स, राइट? और आई कैन से दैट स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर्स। अब इनलैंड वाटर में आप क्या हुआ, इनलैंड वाटर लैक्स की मैं बात करता हूँ, तो इट कैन बी कंसिडर बोथ फ्रेश वाटर एंड सेलाइन, इट डजेंट मैटर। आई थिंक यू कैन कंसिडर द रिजर्वायर या फिर रिवर्स या स्ट्रीम्स, वेटलैंड्स एंड ग्राउंड वाटर एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर इज ओके। बट जो लिम्नोलॉजी के लिए बात है, या तो ऑप्शन आपको मिलेगा स्टडी ऑफ लैक्स, आइदर अगर स्टडी ऑफ लैक्स नहीं मिलता तो याद रखिएगा इट कुड बी द स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर्स, इनलैंड वाटर लैक्स, राइट? तो बेसिकली एवरीथिंग इनलैंड वाटर, तो उन्हीं के अंदर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? चलिए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोर्शन ऑफ द अर्थ सर्फेस कवर्ड विद द वाटर इज रफली वट। Obviously the 2/3% I can say that is around 73-74% and we already discussed total surface of the earth is approximately 510 million squares. ये हम पहले भी discuss कर चुके हैं, 510 million square पूरा earth का surface है and out of that two third अगर मैं इसकी बात करता हूँ 100% का, अगर 2/3 निकालता हूँ मैं, तो approx 70 something कह सकता हूँ ना, अगर 70 something मैं कुछ कह रहा हूँ आपको, 33 तो approx आप कह सकते हो 75-74 approx मान लीजिए, इट्स लाइक अप्रॉक्स ऑप्शन जो एसएससी ने दिया होता दैट वाज 2/3, ठीक है? तो 2/3 होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का एंड एक्चुअल टोटल सरफेस एरिया एंड वाटर। ऑब्वियसली इसी की वजह से तो ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थवी को, कि जब ऊपर से आप देखते हो टेलीस्कोप भी ऊपर से जब देखते हो और यू इमेज लेते हो पूरी की पूरी अर्थवी की, तो पूरा का पूरा ब्लू दिखता है एंड व्हाइट इज द कलर ऑफ द अर्थ इज ब्लू सीन एज अ ब्लू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है? चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। याद रखेंगे स्पेलिंग, या देखिए इसका एक्चुअल नेम ऐसा है पर जो स्पेनिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एंजल फॉल्स। याद रखेंगे ऑप्शन मोस्ट प्रॉब्ली आपको ऐसा ही मिलेगा, एंजल फॉल 100% श्योर हूँ आपको एंजल फॉल ही मिलेगा आंसर। तो पर एक्चुअल नाम इसका ये भी है, तो याद रखेंगे एंजल फॉल स्पेनिश में बेसिकली, पर नाम अगर मैं पूछा जाए क्वेश्चन द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड तो इज द एंजल फॉल एंड वेयर इज इट, ये क्वेश्चन ही पूछा था, इट इज वेनेजुएला। याद रखेंगे इट इज इन वेनेजुएला एंड इट इज द वर्ल्ड हाइएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल। हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी एक्चुअल, बस यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि इज द मोस्ट हाइएस्ट, इज माई मीन इज द वर्ल्ड हाइएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल।
एंड इज हाइट, अब वी टॉक अबाउट द हाइट, तो इसकी जो हाइट है दैट इज 979 मीटर, एंड इफ 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 टेक इन द फिट दैट इज अबाउट 3212 फिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। इन विच एटमोसफेयर लेयर द ओजोन लेयर इज सिचुएटेड। तो गाइस चार तरह की लेयर्स होती है, आपको पता है ट्रोपो, मीजो, आइनो, स्ट्रेटो। तो दिस टॉकिंग अबाउट दिस लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ। प्लीज़ मेक श्योर चारों के चारों के बारे में डिफरेंस देख चुको, किस लेयर पे ओजोन डिप्लीटेशन होता है, किस लोन पे और किस लेयर पे हम लोग जो हमारे जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, हम लोग मतलब आई यू कह सकते हो, जियो स्टेशन सेटेलाइट होती है वो किस ऑर्बिट में या कितने लेवल पर हम लोग छोड़ते हैं, कितने वो कौन से उसमें होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड अगर मुझसे टाइम मिला तो आई विल कवर, डोंट वरी अबाउट इट, मैं ऐड कर लूँगा छोटा सा पॉइंट अपने किसी स्लाइड में। तो अभी बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की, बात करता हूँ तो कौन सी लेयर है। एक्चुअली स्ट्रेटोस्फीयर इज द सेकंड मेजोरिटी लेयर ऑफ द अर्थ, आई मीन सेकंड लेयर, सरफेस से बात कर रहा हूँ, सरफेस से सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट कौन सी हुई, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फीयर एंड थर्ड इज मेजोस्फीयर। तो तीन लेयर तो आपको पता चल गई यहीं से शॉर्ट में, याद रखेंगे अर्थ के जो सरफेस से ऊपर जो सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा गया नियरेस्ट टू द अर्थ सर्फेस दैट इज ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज द स्ट्रेटो, ट्रोपो स्ट्रेटो एंड थर्ड वन इज द मेजो। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द प्राइम मेरिडियन लाइन ऑफ विली ऑल न्यू मेमर, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसी टाइप का, जब मैंने डायग्राम मतलब एक्स्ट्रा मैंने बता दिया था। तो द प्राइम मेरिडियन जो लाइन पास होती है थ्रू द ग्रीनविच, ग्रीनविच इन लंदन जो याद होगा आपको, ठीक है। तो एंड द मेरिडियन ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ लाइन विच विच पासिस फ्रॉम नॉर्थ टू पोल एंड पासिंग थ्रू द इक्वेटर, ऑब्वियसली इज पासिस थ्रू द इक्वेटर एंड थ्रू एंड टू बिगिन द मार्किंग ऑफ लॉन्गिट्यूड एनी लाइन कुड बी चूजन एज ए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज ए लॉन्गिट्यूडनली एज लॉन्गिट्यूड एज आर्बिट्री लाइन। इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, द प्राइम मेरिडियन लाइन पासिस थ्रू द ग्रीनविच मेरिडियन एंड ऑब्वियसली लाइन आर फ्रॉम द मेरिडियन, जो लाइन्स आर नॉर्थ अदर बेसिकली आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइन्स, राइट, ठीक है, पोल टू पोल लाइन पास है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर बेसिक क्वेश्चन भी काफी ज्यादा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल। तो गाइज पहले तो पता होना चाहिए बॉक्साइट और है, जैसे हेमेटाइट मैंने पहले बताया था आप लोगों को, बताया था मैग्नेटाइट बता रखे थे मैंने, कुछ नाम आपको पहले ही बताए थे, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3 होता है, Fe3O4 होता है, दैट ऑल आर फॉर आयरन, आयरन के और की अगर मैं बात करूँ तो आयरन ऑक्साइड हो गया जैसे मैंने पहले बताया था। ये सब चीज़ें मैंने अपने लेक्चर्स में कवर की हुई गाइस, केमिस्ट्री के लेक्चर, ट्रस्ट मी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स मैंने बनाए, 100 नियर अराउंड 100 MCQs है, आई कैन से दैट नियर अराउंड, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर गाइस ट्रस्ट मी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी कंसेप्ट हो चाहे फिजिक्स की बात करो, चाहे बायो की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की, तीनों MCQs मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs होते हैं वहाँ पे कवर किए। अगर नहीं देखे तो एग्जाम से पहले जरूर देख देना, शायद हेल्प हो जाए आप लोगों की, शायद कुछ हेल्प हो जाए, देखिए। एंड बॉक्साइट की बात कर रहे थे, मैंने क्या बोला था, बॉक्साइट ऑब्वियसली इज एन एल्यूमिनियम ओर, याद रखेंगे बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर है, एंड द वर्ल्ड्स मेन सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्वियसली, एंड इट कंसिस्ट, अगर इसकी बात करते हैं बॉक्साइट की तो इतना डिटेल में जाने की नहीं है, पर इट ऑब्वियसली अगर हम और डिटेल में बात करते हैं कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर है उसकी बात करते हैं, आई मीन बॉक्साइट इज ओर, अगर और डिटेल में जाते हैं तो इट कंटेन्स द मिनरल ऑफ गिप्साइट, बोईमाट, बोमाइट एंड डाइस्पोरा एंड दीज आर द फेदर एंड मिक्स विद द टू आयरन ऑक्साइड जो मैंने पहले बता रखे थे, हेमेटाइट एंड जियोथाइट। तो अब क्वेश्चन आता है अगर कभी समटाइम आपसे पूछा जाए व्हाट इज जियोथाइट, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द आयरन ऑक्साइड, हेमेटाइट आपको पहले ही पता है, आयरन ऑक्साइड है, दोनों याद रखेंगे, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड रिमेंबर बॉक्साइड एंड बॉक्साइड इज एल्यूमिनियम ओर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, द हाइएस्ट ग्रेड एंड द बेस्ट क्वालिटी, यार थोड़ा सा विजिबल नहीं है, आई नो सॉरी, द हाइएस्ट क्वालिटी एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रेसाइट, राइट, ऑब्वियसली जो एंथ्रेसाइट है हमारा जो सबसे बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी में मतलब बेसिकली क्वालिटी किस बेसिस पे की जाती है, जो कोल्स की बेसिकली जो क्वालिटी है वो किस बेसिस पे, ऑब्वियसली जो कार्बन की परसेंटेज होती है उनमें उसके बेसिस पे कोल्स की क्वांटिटी डिसाइड होती है। इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस एंथ्रेसाइट, तो एंथ्रेसाइट कंटेन्स अराउंड एंड अराउंड 92 to 98% कार्बन, और इसी वजह से बेसिकली ये जो हमारी फैक्ट्रीज होती है, आई मीन थर्मल पावर स्टेशन होते हैं। अब डाउट ये लोगों को आता है कि यार इफ इट इज़ द बेस्ट वन, ऑब्वियसली सबसे बेस्ट है एंथ्रेसाइट, तो वाई डोंट वी यूज दिस वन एज ए लाइक ऑब्वियसली टू फ्लेम, या जिसमें भी हम लोग जब यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर लो, या फ्लेमिंग के लिए यूज कर लो, या बर्न के लिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि वेन द एंथ्रेसाइट इंग्रेडिएंट्स, तो मतलब बर्न जब करते हैं हम तो काफ़ी डिफिकल्टी प्रूव हुए, तो कार्बन की वजह से, कार्बन की इतनी हाई परसेंटेज होने की वजह से बेसिकली ये बर्न नहीं होता है इतना ईजिली, और छोटा सा जब बर्न होता है तो इट बर्न्स विद ए शॉर्ट फ्लेम एंड स्मोकलेस फ्लेम बेसिकली। तो ऑब्वियसली इट इग्नाइट्स, मेन रीजन है कि इट इग्नाइट्स विद अ डिफिकल्टी, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाई वी डोंट कंसीडर इट एज ए यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल आई मीन लाइक हम उस चीज़ों में यूज नहीं करते लाइक थर्मल पावर प्लांट एंड समथिंग, इन चीज़ों के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू,
ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई तो चलो मैं दो पॉइंट और कंसीडर कर लेता हूँ। इफ आई आस्क हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं अभी मैं किसी से पूछूंगा तो फर्स्ट ऑप्शन जो मार्केट में आता है, सबसे दिमाग में आता है, या नॉर्मन बोरलॉग, NORMN एंड बोरलॉग BORLAG, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आता है सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन। गाइज वो वर्ल्ड, अगर मैं वर्ल्ड को कंसिडर करके चलता हूँ तो ही इज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया के लेवल में बात करता हूँ तो याद रखेंगे MS स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें नॉर्मन बोरलॉग थे ही नहीं, तो आंसर याद रखेंगे इंडिया जो जेनेटिक है काफी जो साइंटिस्ट थे नॉर्मन, हम याद रखेंगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, चलो वो बात होगी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। नाउ द क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, एंड इट इज रिलेटेड टू राइस। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। अब क्या लिखा हुआ है इसके बारे में देखते हैं। द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज अ चेंज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाइडली थ्रू द नेसेसरी फीड एंड द सस्टेन ऑफ द ग्रोथ पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ। सो ओके, नो नीड टू रीड दैट, एंड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, द राइस एंड अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट, तो चावल चावल से रिलेटेड थे, राइस से रिलेटेड था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स सो इजी, कहना ही चाह रहा था। द ओल्डेस्ट एंड जनरल द ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नोन टू मैन, ये भी 2016 में ही पूछा गया है, प्री में दो शिफ्ट में पूछा गया, एक भी नहीं। मैन के लिए सबसे पहली एनर्जी जो इंसान ने खोजी थी, आई कैन से दैट जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल बेसिकली पृथ्वी से निकली हुई ऊर्जा, एक तरीके से उसी को यूज किया जाता है। और डिटेल में जाता हूँ तो देखिए, हम क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर एक सरफेस, हम जितना जीने चाहते जाते हैं तो एक प्रेजेंट नीचे बहुत नीचे मोल्टन रॉक होती है, देयर इज अ मैग्मा, उसकी काफ़ी हीट होती है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है बेसिकली, हम उसी से हीट जनरेट होती है, उसी से एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। तो इनडायरेक्टली शॉर्ट में बता दिया आपको, एंड दिस वॉज अ मोस्ट कॉमन एंड एक्चुअली फर्स्ट नोन टू द मैन। सबसे पहले लोगों को पता चली थी थर्मल एनर्जी, के बाद धीरे धीरे आई रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आया, देन नॉन, ये तो सब वो थे रिन्यूएबल, देन धीरे धीरे फिर और विंड सोर्स ऑफ एनर्जी पता, फिर सोलर पता चला, मतलब फिर बहुत सारी चीज़ आ गई, टाइडल एनर्जी आ गई सब, बट फर्स्ट वन इज द जियोथर्मल, याद रखेंगे। अगर इसके बारे में पढ़ते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ, ऑब्वियसली इज द एनर्जी दैट इज द हीट फ्रॉम द अर्थ, इज अ क्लीन एंड सस्टेनेबल, दैट्स व्हाई वी ऑल नो दैट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड द रिसोर्सेज ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी फ्रॉम द शेलो ग्राउंड ऑफ द हॉट वाटर एंड द हॉट रॉक फाउंड इन द फ्यू माइल्स बीनीथ द अर्थ सर्फेस। जैसे मैंने बोला था कि पानी नीचे, काफी नीचे गर्म पानी, एंड द हॉट रॉक फाउंड, हॉट रॉक का मैंने क्या कहा था, दैट वन इज द, जो मैंने बात कही थी आपके डीपर इनसाइड द एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, दैट इज द मोल्टन रॉक एंड मैग्मा, मैग्मा की बात कर रहा था मैं, दैट इज मोल्टन रॉक। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, वी ऑल नो दैट जियोथर्मल इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, फर्स्ट थिंग, दैट्स अ वेरी बेसिक। एंड अगर मैं जियोथर्मल एनर्जी को शॉर्ट में आपको समझाऊं तो जियोथर्मल एनर्जी कुछ नहीं है, द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्थ बेसिकली इनसाइड फ्रॉम द अर्थ, डीप इनसाइड फ्रॉम द अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ द मैग्मा थिंग राइट एज अ मोल्टन मैग, एंड दैट्स एनर्जी इज नोन एज द जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, एंड ऑब्वियसली वी नो दैट द नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, कंटेन्स वेरियस नंबर ऑफ गैसेज, एंड इट कंटेन्स मेनली, अगर मैं बात करता हूँ तो इट कंटेन्स मेनली नेचुरल गैस एंड द हायर हाइड्रोकार्बन गैसेज। ऑप्शन में सीधे यही दिए हुए थे, मीथेन एंड हायर हाइड्रोकार्बन। तो और अगर मैं बात करता हूँ जैसे नेचुरल गैस की, हम अगर कुछ प्रॉपर्टी बात करते हैं तो इट कुड बी आस्क इन द एग्जाम। आई नो दिस काइंड ऑफ केमिस्ट्री का थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया, पर ये ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर के लेयर के ऊपर ही क्वेश्चन था, ये ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेचुरल गैसेज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, नहीं देख पाते हैं, ऑर्डरलेस भी है, स्मेल नहीं होती कोई सी भी। ऑफ ए गैसेज आर मोस्टली मेड अप ऑफ मीथेन, याद रखेंगे मीथेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन हायर हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है, पर आगे देखते हैं कौन सा हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो अदर गैसेज दैट कैन बी अ फॉर्म ए पार्ट ऑफ नेचुरल गैस इंक्लूड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इथेन, इथेन ये हो गया हाइडर हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे चारों इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेज, वी ऑल नो दैट एंड विच कंटेन्स ए गैसेज, तो फर्स्ट आपको सबसे पहले हिट करना चाहिए माइंड में मीथेन, एंड हायर हाइड्रोकार्बन की बात आती है तो याद आना चाहिए इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन, मीथेन नहीं है यहाँ पर, याद रखिएगा इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एंड ऑब्वियसली मीथेन बर्स रिलेटिवली क्लीनली टू प्रोड्यूस द हीट एनर्जी एंड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ वाटर एंड कार्बन। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ये सेशन खत्म करते हैं गाइस, तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई है क्लियर। अगर मैं कई जगह पे फास्ट हो जाऊँ तो प्लीज़ जस्ट स्टॉप करिए वीडियो को एंड पढ़ लीजिएगा, रहेगा जो भी नोट मैंने लिखा है, इसीलिए मैंने नोट लिखवा दिए थे कि सो इट वुड बी इजी फॉर एवरीवन जो भी इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो गाइस प्लीज़ रेट रिव्यू एंड रिकमेंड करते रहिएगा कोर्सेज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट अगेन। चलिए बाय बाय। तो गाइस बाय।